विजयता जी, ब्लॉक गंगवा के सेवादार एक मंदबुद्धि का इलाज करवा रहे हैं, उसकी संभाल करवा रहे हैं। ब्लॉक बठिंडा में भी एक मंदबुद्धि का इलाज करवा रहे हैं और ब्लॉक केसरी सिंहपुरा में भी एक मंदबुद्धि जीव का ये अपने घर ले जाकर इलाज करवा रहे हैं और 11 मंदबुद्धि जीवों की ये देखभाल कर चुके हैं। शाबाश बेटा, शाबाश, बहुत बड़ी बात है। आप साथ भी उनको लेके आए हैं, प्रसाद ले जाना, सब सेवादारों को भी देना और इन बच्चों को मालिक जल्दी से रहमत करके ठीक करें। भगवान से प्रार्थना करते हैं, पूरी संभाल करो, पूरा इलाज करवाओ, अगर जरूरत है तो आश्रम आपके साथ है। आशीर्वाद, आशीर्वाद, प्रसाद ले जाना, आशीर्वाद बेटा। और साथ संगत जी, आपने ये जो मुहिम चलाई है कि रोड के किनारे कोई बच्ची है, कोई लड़का है, लड़की है, जो घूम रहे पागल की हालात में, उनको ले जाके हॉस्पिटल में भर्ती करते हो, उनकी संभाल करते हो, उनको उनके घरों तक पहुंचाते हो, इससे बड़ी सेवा और क्या हो सकती है। हमारे ख्याल से बहुत बड़ी सेवा कर रहे हो आप सब लोग। और आपको बताएं, अभी हम हिमाचल से आ रहे थे, हिमाचल से अभी हम धर्मशाला की तरफ जा रहे थे, तो रास्ते में एक नौजवान था बेचारा, बहुत ही बाल बिखरे हुए थे, कपड़े फटे हुए थे और बिल्कुल ब्लैक कलर, पता नहीं नहाया नहीं नहाया, इतना आ रहा था, बुरा हाल था उसका। और वो हम जैसी गाड़ी खुद ड्राइव कर रहे थे, जैसी गाड़ी चलाते हम उसके बराबर आए तो सामने से कार आई और उसके वो बिल्कुल सामने आ गया, तो कार ने एकदम ब्रेक लगाई, उसको कुछ हुआ नहीं, तो बड़ा दर्द हुआ। और हमने उसी समय सेवादारों को बोला कि इसको हॉस्पिटल ले जाओ, तो वहाँ दो लड़के थे वो और उनका भी इलाज चल रहा है। तो बड़ी अच्छी बात है कि हम लोग, इंसान इंसान की मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा, पशु पशु की मदद करता है, तो कम से कम हम पशु होते तो बेहतर है, तो इंसान को इंसान की मदद करनी चाहिए। और जो कर रहे हो, भगवान बहुत खुशियां देंगे आपको। आशीर्वाद।